गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ FCI के बारे में। तो FCI से जो रिकमेंड है वो टोटली आपको पंजाब में जॉब मिलेगा और टोटली वॉचमैन का आपका पोस्ट है। बहुत सारे वैकेंसीज है, बहुत सारे वॉचमैन का पोस्ट है, कुल मिलाकर 860 वैकेंसीज है जिसमें आपको टोटली अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पे मैं एक साथ आपको देने वाला हूँ और सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ कैसे अप्लाई करेंगे उसके प्रोसीड्यूर भी दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन के बारे में भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस GK GI का नॉलेज चाहिए तो इस चैनल में भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं FCI, यहाँ पे जो पंजाब का रिक्रूटमेंट है, एक्चुअली FCI का मतलब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो टोटली गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, पंजाब में आपको जॉब मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिकमेंड किया जा रहा है। 860 वैकेंसीज है जिसमें टोटली वॉचमैन का पोस्ट है, परमानेंट जॉब होगा गवर्नमेंट सेक्टर में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 ईयर्स तक आपको एज लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको एज लिमिट नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो टोटली रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ फिजिकल टेस्ट होगा। तो इस दोनों टेस्ट के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का जो चार्जेस है, आप मतलब मेल कैटेगरी है और मेल कैंडिडेट है और आपको जनरल सॉरी आप जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के अंदर है तो आपको 250 रुपीज़ पे करना है। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए और फीमेल्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और ये जो 250 रुपीज़ आपको पे करना है वो भी आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। सैलरी और पे स्केल जो है वो सिलेक्शन होने के बाद ही आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो मात्र आपको 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा, आप इस दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस कैटेगरी से ही आप अप्लाई करिए, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफिकेशन देकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा कम रहेगा, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज आपको सिलेक्शन मतलब एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस कैटेगरी से ही आप अप्लाई करें तो अच्छा होगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा 10th नवंबर, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का प्रोसीजर यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने से पहले मैं ये कहूँगा, अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे एडमिट सिलेबस आधा स्टेटस मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले आपको नोटिफिकेशन के पास यहाँ पे क्लिक हेयर बटन दिख रहा है तो इसमें क्लिक करना तो इस पेज में ओपन हो जाएगा। और ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो सैलरी पैकेज है वो 23,000 से 64,000 तक सैलरी पैकेज मिलेगा। तो कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है वो सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेंगे, साथ ही साथ आपको बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस सारे जानकारी को आपको पहले देखना है, पूरा डिटेल्स में आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए PET मतलब फिजिकल यहाँ पे देखिए फिजिकल जो टेस्ट होगा वो, उसके लिए आपको देखिए आपको मेल कैटेगरी के लिए 100 मीटर का रन देना पड़ेगा और आपका कितना टाइम के अंदर आपको रन कॉम्पीट करना होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। लॉन्ग जंप देना होगा, हाई जंप देना होगा और साथ ही साथ आपको कुछ रिटन टेस्ट भी होगा, उस रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन का प्रोसीड्योर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सारे जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, तो सारे जानकारी नोटिफिकेशन में आप ले लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई ऑनर में क्लिक करना होगा। तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको सारे जानकारी मिल जाएगा, डेट वेट वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आप लॉग इन हेयर में क्लिक करिए, ठीक है।
पहले आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिए। जब रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिए आप इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना होगा। तो अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे आपको सामने इस फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप दिया गया, पहले पर्सनल टेस्ट, उसके बाद बेसिक डिटेल्स, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स। ये चारों स्टेप आपको फिलअप करना है। ये चारों स्टेप फिलअप करने के बाद आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो जल्द से जल्द अप्लाई करिए इस जॉब के लिए। और मेरे चैनल में अभी तक आप नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली 2 से 3 जॉब इस चैनल में डालता रहता हूँ। तो आपको कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाइए, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।